हमारा जन्म ना जसोदा जी से नहीं हुआ, हमारे मैया जी जसोदा जी, तुम्हारा जन्म अज्ञात स्थान में जन्म हुआ। और तुम लोगों ने तुम्हें देखा ये लड़का ऐसे किया है, उन्होंने उसे तुमको लेकर और ऋषि के पेट के गठरी में खोदने के लिए कर दिया। तुम रो रहे थे, कार्यं प्रोक्षणं सतिमं प्रयत्नो
जैसे नाम हो गया कभी कम नहीं होगा और वह हटाएंगे नहीं,
और उसकी इतनी भूख करी है कि सूर्यनारायण के पेट में है, इनका पेट कभी भर नहीं सकता। तो ये फिक्र रहेंगे हम तो करती है और उनका पेट इतना स्वादिष्ट है ये छोड़ेगा और हमें इतनी स्वादी। यदि उत्तम भगवान की यात्रा की सेवा करते रहे यहाँ पर कृष्ण है और वहां पर जब श्रीमती राधिका जी है और गोपियों को कोई सेवा का सुयोग मिलने की कोई संभावना है नहीं, वहां अष्ट शक्ति तो कभी अधिकार नहीं मिल सकता किन्तु श्रीमती जी चलाती चलुकाई से उनको सेवा में नियुक्त कर देती है। ज्ञान पूछकर उनको मैं मरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगी, हमारा तो पीछे किएगा कल तुम्हें मार्च से बात गुरु भी ऐसा ही करते हैं जो कि शिक्षकों के द्वारा की सेवा इत्यादि कराने लगते हैं उनको सेवा का सहयोग देते हैं। इसलिए तुमको मरने की जरूरत नहीं है, वो सकता है आप हम चुप करके मर जाएंगे मर नहीं गए और ये कहते हैं तुमको मरने नहीं देंगे छोड़ो अभी ना मैं तुम्हारी चीज को ये कुछ को किया ये सोच करके कृष्ण को पकड़ दिया और तुम से बैठा दिया तो सजा आपके बाद इतना कृष्ण को आपको इस तरह से नहीं छुड़ा सके कहते हैं कृष्ण ने ऐसा पकड़ दिया मुख से उल्लास पकड़ दिया पैरों से चिपका दिया हाथ से पकड़ लिए जहां से पैर वहां पकड़ लिया छोड़े चिल्लाते चिल्लाते हार गई और कृष्ण नहीं आज कृष्ण दादी दिखने में साधारण से बड़ी सुखा और कृष्ण को जोर से चपक गए। उस समय कृष्ण ने कोई चेष्टा नहीं की थी कितना को पकड़ने के लिए किंतु यहां पर चेष्टा की खूब जोर से पकड़ लिया इतने यशोदा जी जोर लगा रहे हैं वो उतना ही जोर से पकड़ने की चेष्टा की और यशोदा जी ने देखा किसी ने तो उतरना नहीं चाहता अभी अभी जब दिख जाए तो छठ से छटका दिया है बैठ गया यशोदा उसको हो गए छोड़ देगा बैठ पर जाए क्या ये कहता कि कृष्ण को वहां पर रखा है कृष्ण असहाय जैसे बेबस हो गए और उनको लेकर जो है ये अतिक्रमण जो देना है सर्वसंकना सब कुछ के लिए भी प्रेम के आगे शक्ति कुछ नहीं करती भोले भाले से बैठ रहा है आंख से आंख की और छलक जो बीच में जो छलक रहा था और छलक रहा है कुछ मुंह भी लाल हुआ है अभी दांत भी अभी निकल जाएगा दांतों को कर्म आने लगते बुझाए कर्म थी क्रोध का संचार हो गया चाचे चाचे मैया ने को छोड़ करके चली अच्छा तो देखो मैया को मैं दिया बस इधर उधर देखने लगे और देख करके एक शिला पुत्र पड़ा हुआ था शिला के समय में जोड़ा जिसे मसाला पीसते हैं उसकी जोड़ा को जोड़ा को कुछ विचार किया जहां करने के लिए शब्द नहीं थे काफी सारे विचार आया और विचार आते ही एकदम खाने के एकदम नीचे की तरफ में और उसे चुप कर दिया उसके कारण में कुछ कमजोर होता है और वहां से जो गिरेगा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता कि हड्डा टूट गई है और थोड़ी से नारा के थोड़ा सा गोल छेद हो गया और जो प्रतिबंधन कर रही थी उसे तर्क हो गया था कुछ मानी थी उसमें डाल दिया था तर्क हो गया और उसने तो उसी में से जाने के बाद देखा कि मेरे गुरु को खा रहा हूं उनके साथ में देखने के लिए पैसे के लिए दौड़ रहा करने हो गए बाद में क्या क्या चाहते हो आप एक ऐसे स्वभाव से वो देखते हैं जो सब इतना था कहीं वो सब निकल करके चला गया चारों तरफ में फैल गया तो
सर कितना सीखते हैं, अब जल्दी बात सोच न सके कैसे क्या करना चाहिए। अब एक घर ऐसा है घर में कभी मंथन हो रहा है और एक घर है जिसमें फल क्या भी रखने का और उधर से बाहर आत्मा पड़ता आ जाए जहां पर वो गति मंथन कर रहे थे और वो दूसरे तरफ में गई दूर को रक्षा करने के लिए और उसने इस कबाड़ को खोल दिया और खोल करके कर दिया किंतु उनको पता नहीं ये हमारे पैरों की छाप भी पड़ रहे हैं सभी में लगा बड़ा सुंदर अब उसमें सभी चिन्ह है उसमें लगे हुए हैं। घर में आकर आपके बगैर अपनी याद दरवाजा को इतना बड़ा खोल दिया नटक करता जब मैं क्या उधर से आई एकदम इधर से खोल दिया अब तो नहीं उनके जितने सबकी शादी थे सबकी शादी मैंने तो अभी तो लड़के तो है नहीं बना कुछ ऐसे होते हैं यदि हाथ में कुछ उनको देने के लिए लोग तो जब एक हम आकर से खड़े होकर से और एक हाथ पकड़ लेंगे दूसरे हाथ के देने ऐसे कोई इधर से हाथ पकड़ कर इधर से और कौन से अपना हो सकने की जांच करवा लिया है और कभी घर में टक्कर करने के उसको विश्वास किया थे अगर अपने सशक्ति को बदल के देख रहे हैं तो क्या आपने कहीं और विश्वास हो गया जो ऊपर में छीटा दिया पानी का जो ऊपर रहा था वो शांत हो गया है देखा कि जो करीब करीब तैयार है अब ये ठंडा छोड़ा सा बीच में भून जाने पर अधिक गर्मी नहीं होना चाहिए अधिक ठंडा भी नहीं होना चाहिए उसका एक माप है तब उसमें देना चाहिए बस उसी समय में उसको उतार करके ठंडा होने के लिए चली आए जो बच्चे को शुरू करके आए यहां भी चार मिल रात है भक्ति स्वामी सुंदर विचार में विचार किया गया है भक्ति किसको कहते हैं अपने आनंदों को भक्ति कहते हैं या कृष्ण के आनंदों को भक्ति कहते हैं यदि कृष्ण की भक्ति करने से हमें आनंद मिलता है तो ये भक्ति नहीं है ये काम हो गया इसलिए भगवान की सेवा करके हमको आनंद होगा लेकिन से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए हमें दुख हो चाहे कष्ट हो हमें कुछ भी हो कृष्ण को आनंद होना चाहिए और आनंद में भी प्रतिकूल भावना नहीं होनी चाहिए कृष्ण को पीछे कृष्ण को माध्यम त्याग के लिए या प्रतिकूल भावना लेकर के उनकी सेवा नहीं करे नहीं तो भक्ति नहीं होगी दिखलाया भक्ति में दो विचार किया गया कृष्णचंद्र को आनंद होना ही अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम अनुकूल लेना कृष्ण की रुचि हो अच्छी लगे एक बात तो ठीक है किंतु कहीं कहीं पर अच्छी लगने वाले आने की सीमा पार कर जाने के बाद में वो भक्ति विरोधी हो जाती है किंतु वो मजबूत भावना हो सकती है भक्ति नहीं हो अब कृष्ण को अच्छी नहीं लग रही है ऊपर से ऐसा मालूम होता है कि वो भक्ति की चरम सीमा पर ये चारों मुस्लिम कंस इत्यादि चारों मुस्लिम से युद्ध हो रहा है बहुत दिनों के बाद आज कृष्ण धृतराष्ट्र का आस्वादन कर रहे हैं उनको पकड़ करके वो कभी फेंकता है कभी इधर करता है को करके लड़ता है कभी गुस्सा मारता है कृष्ण को खुद जैसे जैसे हाथी के बच्चे को खून दे दिया जाए खून से मारा जाए ऐसा लगता है आज कई साथ के साथ में कृष्ण बलराम जी को कर ये कृष्ण को जो आनंद हो रहा है ये भक्ति दी की नहीं नहीं क्यों वो उसको मार डालना चाहता है कृष्ण को आनंद हो रहा है दूसरी बात
और कृष्ण बोलने लगे बिलबिला कर रहा। अब कृष्ण का होना बिलाना उनको क्रोधित होना मजा के ऊपर में, ये भक्ति भी नहीं है। क्यों जो सुदाम कृष्ण का ही काम करने के लिए कृष्ण को शासन करते हैं। भक्ति का एक ऐसा स्वभाव है जो भक्त भगवान से भी अधिक भगवान की सेवा की वस्तुओं को अधिक स्नेह करता है, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। कृष्ण जिसको विशेष आदर करते हैं कृष्ण से भी अधिक आदर उस व्यक्ति का है। कृष्ण श्रीमती राधिका जी को सबसे अधिक स्नेह करते हैं, तो भक्त लोग कृष्ण से भी अधिक उनको उसी प्रकार से कृष्ण से व्यक्ति यशोदा में क्या कुछ नहीं करें। गुरु जी कृष्ण की सेवा अधिक करते हैं इसलिए कृष्ण की अपेक्षा अधिक गुरु की सेवा करते हैं, यही सिद्धांत कोई बोलता है। दूध कृष्ण के लिए है या कृष्ण दूध के लिए कृष्ण है? अरे दूध इत्यादि करी 10,000 मन की जमीन नष्ट हो जाए तो कृष्ण को आनंद देने की जरूरत है। थोड़े से दूध के लिए आज विश्वता से कोई दंड देने के लिए आज अंतर काम करने वाले सब कुछ निर्भर करता है उसका उद्देश्य क्या है। जो सुधार में 2400 घंटा में 2400 घंटा कृष्ण की सेवा की भावना रखती है, कृष्ण कैसे प्रसन्न रहे कैसे खुश हो, ये तो छोटा अभूत बच्चा है इसको ज्ञान नहीं है जो क्या करने से कैसे अच्छा होगा हमको देखना है, इसलिए वो सबसे बात करती है। इसलिए जो सुधार का कृष्ण को उठा करके रख देना दूध की रक्षा करना भी है भक्ति। कृष्ण की का कोई कपड़ा है कृष्ण ने गंदा कर दिया कोई कीचड़ रखा है या कोई कोई चीज है उसे लेकर के और लपेट जैसे तो हमने कान पकड़ करके थोड़ा सा कपड़े डाल एक छोटे से कपड़े के लिए और उन्होंने चपेटा लगा दिया और कृष्ण वो करने लगे फिर करेगा फिर गंदा करेगा। ऐसा ही भक्तों का स्वभाव इसलिए ये सब इसलिए जो सुधा जी दूध की रक्षा करने के लिए जब रक्षा करके जब यहां आए देखा कहां गया कहां गया हम लोग सेंसर खोज दे रहे समझ में हंसने लगे ये ऋषि की बात है प्रभु जी खिला कैसे कृष्ण जब वो चले गए तो उसने हाथ से कृष्ण ने पकड़ा उसको भाव देना चाहे ऐसा ऐसा विधान था हमारे उसे चली गई करती ही नहीं किसी ने इतनी शक्ति का इसलिए उसको तोड़ दिया। अच्छा ये इतना चतुर हो गया है देखा तो नीचे से दे या जैसे सब गली में कितनी भी कहीं गली रहे ऊपर में गली मारते तो गली रह गई जाती इसलिए नीचे की तरफ मारा गया एक गांव कहां गया बंदा बंधु किधर गया जितना तो लगातार साफ पड़ा हुआ है एक सेकंड में नहीं लगा तो कृष्ण को खोजने में एक घर के अंदर में गया उधर का दरवाजा बंद कर दिया और उधर का शुरू करता है ध्यान करके देखा बड़े आनंद के साथ में खा रहा है और मंत्रों को पिलाया और इधर में सातम का एक क्रम पहली दृष्टि से हमारे तरफ भी देखा है। अच्छा ठीक है घर इधर उधर गए और कोई हाथ में छोटा सा बेहद दे दिया जबकि आए थे किसी देश और श्री से देखा जैसे जो घर में तरने हो रहा है तो पल्ला छोटा सा धीरे धीरे उसे छोड़ा अच्छा देखकर जाकर के दरवाजे से घर में उधर जा करके छिड़ते हैं खास कर गया है दरवाजा चला हुआ है रास्ता साफ है उसका कहीं को और ऊपर से वो देख रहे हैं और ऊपर से देखती रहे हैं जो जो सोचा कि तो कहाँ से तो बाल मिले बिल्लियाँ जब चलती हैं ना सूखे पत्ते भी रहे तो उसके ऊपर ऐसे चुपचाप धीरे से चलती है
व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता है व्यक्ति कभी भी आ रहा है कोई भी शब्द न हो इसके धीरे धीरे चले जाए तो ऐसे देशों का पैरों से कोई आवाज न निकले कोई कहीं दर्द कुछ न हो जाए धीरे धीरे जाए इतने कार को सुनियों का दर्द ऊंचा ऊंचा करके कुछ पीछे हटने लग जाए देखा किसी ने किसी को बढ़ते हैं हमारे इतने बंदरों को देखा कि बंदर का दर्द देख रहे हैं कुछ बढ़ रहे हैं वो जो कुछ बात इधर देखा तो मुझे एकदम पीछे आ गए और एकदम पीछे आ गए ऐसे तो पकड़ना चाहते पकड़ना भी है इतने बजट पकड़ने का एक सेकंड भी नहीं लगा और चल चुके पकड़ लीजिए कुछ करके बाहर रुद्र ने कहा करते हुए अब दबाया अपना रात का रात का आज तू देखेंगे तू कहां जा रहा है तो जरूर क्या से ठीक है तू कहां जा रहा है तू समझता है कि अभी रात रात का सब लोग आ रहे हैं कुछ बड़ी भैया बड़ी कह जाती है मगर चार बच्चे चलती है तो ठीक है सब लोग सब लोग कहते हैं जो उसके बच्चों को जाने के लिए जाने के लिए उनको घूमने के लिए गए थे आज रात चलो देखें कहां चलता है बस उन्हीं पर के जाल मार कर और भी दौड़ने लगते हैं जितना दौड़ते हैं उतना जुड़ता है ये बच्चा है और जो खुदा में जाने का शरीर है इसलिए दौड़ने में दौड़ की शक्ति है बट आज का तो विश्व संपन्न बन रहे हैं इसको पैंतीस जाति का निकल कर बिना कर और दौड़े भी मात्रा 10-10 किलो से कम नहीं कल में सोने का कंधा भी 5 किलो का हर काल से लगी हुई है स्थूल शरीर भी कुछ है दोहरा चेहरा है अधिक स्थूल भी नहीं है अधिक पतली भी नहीं है किंतु है दौड़े स्तन का भार है इस तरह से वो दौड़ी अंचल को गिर गया है कुछ देर जाते ही अंचल गिर गया है इस प्रकार से संभाल करके दौड़ो और इस प्रकार भैया मत मारना था मत दौड़ो और वो दौड़ी जाने आज मैं देखेंगे तुम कहां तक दौड़ता है जिस दादी के सिर से जो पुष्प थे ऐसे लगाए थे वो धीरे धीरे एक एक गिरने जिस दादी के जाकर किसी कभी दौड़ने का अभ्यास नहीं कभी भागने का अभ्यास नहीं तो कुछ सिद्धांत तो सांस भी चलने लगे केवल शरीर मृत्यु शरीर पसली की जूते सबसे पहले पसली की जूते कहां आएंगे बहुत बड़ा बगल में हो जाता है जहां जहां से अंदर है रावण से पसीना चलता है उसने भी बंदे सा मान लो थी कि बहुत चमक और ये पुष्प सब देने लगे कि दौड़ दौड़ कर रही यशोदा जी ने देखा कि इसके साथ दौड़ना तो बड़ा सारे मुश्किल है अभी पकड़ा अभी पकड़ा तो पिता से घूम करके उधर चला गया अच्छा तो तुम देख उस मानव गिरते हुए कारण भैया वो अकेले नहीं है हमें तुम्हारे पीछे पीछे हैं तो दौड़ हम ही चल रहे हैं इस प्रकार से पुष्प गिरते हुए चले जा रहे हैं यशोदा जी ऐसे चल रही है वैसे वो गिरता जा रहा है उत्प्रेक्षा से कर रहे हैं ये पूजे से मैं क्या चल दौड़ हम भी दौड़ दौड़ रहे हैं मैं देखते हुए दौड़ रहे हैं उसको साथ ही साथ कर रहे हैं हम भी दौड़ रहे हैं जब इस बात पकड़ना है इसी पीछे पीछे जो सोचा जा रहा है ऐसा देखो बस ऐसा बनाया मुझे ऐसा मार ऐसा मत मार जो ये हमारे मन से छोड़ दें तुम्हारे मन से कहीं चोर होगा मैंने तुम्हारे पिता के पास हमारे पास में कोई चोर नहीं है अरे तुमने हड्डिया क्यों फोड़ा ये बताओ भैया मैंने तो नहीं फोड़ा फिर कोई बोलता है सशक्त बदलाओ यदि सशक्त बदलाया जाए तो तुम्हें नहीं मारूंगी तो बताओ तो कैसे तुम भैया मैं वहां से तुम्हारे घर के बारे में जब वहां से आ रही थी मैं देख करके मैं डर गया है डरने से मैं वहां से डरा तो तू क्यों डर गया डरा के लिए डरता हूं
कोई उत्तर नहीं कर सकता। क्यों कर गया? हजार तुमने थोड़ी से नहीं मर गया, कैसे मिली हो? अरे तुम्हारे पैरों में जो मोटी मोटी देख ले, जो कड़बिन लग रहे हैं, तुम जब जिस समय जा रहे थे उसी समय में वो ठोकर लग गई। और ठोकरा तुमको तो मालूम नहीं हुआ है उनकी, और ठोकर लगने से वो नीचे तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने थोड़ा नहीं तो तुम भागा क्यों? तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया टूट गई तुम्हारे कहने से, इसलिए सोचा कि तुम आकर के तुम सोचे जैसे ही मैं तोड़ दिया जिसके मैं था, तो बिना प्राप्त है क्यों भागना चाहता? एक लड़की लड़किया उठाई मारने के लिए अपना पढ़ने के लिए कितने लड़की था, थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने फिर लड़किया उठाई, या कोई पत्थर का टुकड़ा उठाया, ऐ देखो बस कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने देखा पसीने के बूटे गिर रहे, अब उसे चला नहीं जाए, इसलिए कृपया कृपा करके पकड़ दिया आपके लिए लड़किया उठाई मारने के लिए। उसी समय का वर्णन कर रहे हैं, लसत कुंडलम को ले जाना जसदा मधुबन
आप लोग हमें से जो जाना चाहेंगे हमको आज बतला देंगे या आज शाम तक हमको बताने को इसको जाना चाहता है, क्योंकि हम लोगों के पास में स्मृति स्थान रहेंगे एक वर्ष है, ब्रह्मचारी लोग भी 25-30 हैं और आप लोग के लिए स्थान रखते हुए जो जाना चाहेंगे एक हम तक एक दिन के जाने में आप लोग कोई आवश्यकता नहीं होगी। 12-1 बजे तक हम लोग ध्यान रखते हैं और उसके बाद एक दिन हम लोग काल भी जाएंगे और 19 तारीख को हम लोग यहाँ से दुबकन के लिए यात्रा करेंगे रास्ते में पैसा ग्राम संत सरोवर और कुछ स्थान देखते हुए दुबकन मानसी गंगा की परिक्रमा करेंगे और फिर दूसरे दिन भोर में उठेंगे कृष्ण की लीला करियो और दुबकन जी की परिक्रमा करते हुए और हम लोग राधा कुंड तक पहुंचेंगे, वहां स्नान स्नान करेंगे, स्नान करके तो यहाँ पर गंगा राज माता हम लोग अपनी माँ से शांत कर आज संक्षेप में बताया, हमने लिख करके रखा भी है जिसको जरूरत होगी उसको देखे अपने अपनी सुविधा के अनुसार में या जो सभी परिक्रमा करना चाहते हैं लोग अथवा अपनी सुविधा के अनुसार में देखा जाना चाहते हैं उसी के अनुसार में जमुना ने जो दो स्नान जो कर दिया है वो आत्म कर रहे और जो स्नान नहीं किया है वहां पर हम थोड़ा सा समय 10-15 मिनट का देंगे उसमें स्नान स्नान कर लेंगे और स्नान करके फिर हम लोग
যেখানে যেখানে যাচ্ছি ভক্তগণের গৃহ ভগবানের ঠাকুরের মন্দিরে আমরা যাবই, প্রথমে ভক্তের কৃপা হলেই ভগবানের দর্শন হবে। আপনি মনে করবেন না যে সে সাধারণ গৃহস্থ, এরা হচ্ছে ব্রজবাসী, তার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, আবার উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ, আবার ব্রজবাসী কোথাকার, মানে রাধা কৃষ্ণের খেলা ক্রীড়ার জায়গা। এরকম ভক্তিমান আপনাকে দেখছেন ঘরে ঘরে ঠাকুর, আবার চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে উপস্থিত হয়েছে, মিশ্রিত কর্মিক জ্ঞানী এইসব না, শুদ্ধ ভক্ত রাধিকার আশ্রিত এরা। আমরা যেরকম ভাবনা কল্পনা করব, ওরা সব আমাদের কল্পনার অতীত, এরা স্বাভাবিক তাঁদের প্রজেতে কৃষ্ণেতে রাধাতে আর কৃষ্ণের লীলা ইত্যাদিতে স্বাভাবিক তাঁদের প্রীতি, পূর্বজন্মের কিরকম তাহাদের তপস্যা আরাধনা, যে তাহারা খেলন বনেতে তার বিবাহ, আর বাপের বাড়ি কোথায়, খায়রা, খায়রা বন, খদির বন, ওই নন্দগাঁও থেকে আর একটু দূরে নন্দগ্রামের দিকে, ওই নন্দের গ্রামই মনে কর, বসানা টসানা সব তাহাদের, কেউ শাস, কেউ শ্বশুর, কেউ কিছু, কেউ কিছু হবে আমাদের সৌভাগ্য আসে। আবর বাড়ির চিন্তা এদের ভগবান ওইখানে সব জন্ম আয়ুষ কত, এরা সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, অর্থাৎ আমাদের সৌভাগ্য যে এইসব গুলিকে আমরা দর্শন করি। আর কোন জন্মতে এইরকম আমাদের হয় যে বর্ষানাতে জন্ম হবে, খেলনবনে জন্ম হবে, খদিরবনে জন্ম হবে, যাবতে বিবাহ হবে, হয় গোপী অথবা গোপ হয়ে জন্মগ্রহণ করব, যে কোন ভাবে এখানকার তৃণ লতা ঘুলম যদি হয়ে যায় জীবন সার্থক হয়ে যাবে। শুধু মনোরঞ্জন করবার জন্য আমরা তীর্থে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছি এদিকে এই জন্ম, এই জন্য আপনি মনে করবেন না মহারাজ নিয়ে আসলো দু একটি দেখিয়ে দিয়ে এইসব করেন, আমার ইচ্ছা ছিল না সে এবার পরিক্রমা করবো, এই শিলিগুড়ি থেকে একটি আমাদের জামাই বাবু সব লোকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সব গোলমাল করে দিল, তো যা আমার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি যা আমরা এসেছি কুচি কুচি দর্শন করবো, হরি কথা মাধ্যমে আমরা দর্শন করবার চেষ্টা করবো। আজকে কিরকম সুন্দর সব গুলি কথা হচ্ছে, ও যদি কানেতে যদি প্রবেশ করে তাহলে একদিনে তো এই পরিক্রমা হয়ে গেল, এইসব গুলি শুনবেন আর ওই রকম ভজন করবেন, এই আকাঙ্ক্ষা করবেন আর পরিক্রমা। এখন আমরা চলুন না, দেরি হয়ে যাবে, আর বেশি লোকের কাছে যাব না, এইরকম যেখানে যাবো সেইখানে প্রতি ঘরে ঘরেতে ঠাকুরের পূজা, ঠাকুরের এইরকম আমাদের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা, ঘরে ঘরেতে কত ঘরেতে আপনাদেরকে নিয়ে যাবে, এই আমাদের ও সৌভাগ্য যে আমরা এইসব জায়গা।
Good for one देखकर के हमको लोभ होता है। एक मिट्टी का कलश भी ऐसे विचित्र रूप से सवारा है कि चाहते जो सिर पर लेकर के मठ में चले। ठाकुर जी को भी ऐसे ही किया और अभी ठाकुर जी का देखें जो भोग क्या क्या लगता है। आप लोग थोड़ा सा भोग यहाँ का प्रसाद देकर के और हम लोग मठ में चलेंगे। अभी वहां का कार्यक्रम भी अभी प्रसाद भोग का ले आइए और सबको थोड़ा थोड़ा भोग दीजिए। देखिए ऋषि कुमार
लेकिन वन जंगल में रहने वाला कोई कुछ नहीं, और देखिए कैसा होगा। दोपहर में आप लोग प्रसाद नहीं पाएंगे। हमने क्या कर दिया, आनंद से बैठ करके प्रसाद पालो। आज प्रसाद लोग पाल के होगा कोई चीज नहीं, यही प्रत्येक प्रसाद ऑफ सी वट काइंड ऑफ प्रसाद हैज कम कृपा टू अस। Bye.
Thank you.